दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड आज की डेट ऑफ जर्नी की बात करें तो 7 जुलाई 2023, और अभी हम खड़े हैं फिलहाल गोरखपुर जंक्शन में, यानी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। और यहाँ आने का भी अपना एक खास कारण है, जो कि मेरे ख्याल से आप सबको तो पता ही होगा। आज हमारी इंडियन रेलवेज में 24th वंदे भारत चलाई जा रही है, जो कि चलेगी अपनी गोरखपुर से लखनऊ जंक्शन के बीच में। फर्स्ट इनॉग्रल रन इसका होगा लखनऊ जंक्शन के लिए, और कमर्शियल रन की बात करें तो इस वंदे भारत का होगा लखनऊ चारबाग में, यानी NR वाली लाइन पे। और डिपार्चर की बात करें यहाँ पे, तो डिपार्चर में तो कहना भी ज़्यादा टाइम है नहीं। पहला ऐसा ब्लॉग मैं बना रहा हूँ इनॉग्रल का, जिसमें पहुँच गया था मैं यहाँ पर कम से कम 3 घंटे पहले, लेकिन पासेज में इतने इश्यूज़ हुए, पासेज लेने के लिए इतने इश्यूज़ हुए कि पास मिलने के बाद अभी आधे घंटे का मेरे टाइम बचा है गाड़ी को निकलने में। खैर कोई बात नहीं, वो तो होता रहता है अप डाउन थोड़ा सा। देख सकते हैं आप फिलहाल हाथ में पास और ये कॉम्प्लीमेंट्री थैला, जिसमें कुछ गोरखपुर डिवीज़न की तरफ से कुछ ऐसे ऐतिहासिक यादें जो इसमें दी गई है रेलवे के स्टाफ की तरफ से, लाइक ऐसे बॉटल हो गया है आपका, और इसमें अंदर हैट वंदे भारत एक्सप्रेस का वगैरह वगैरह चीज़ें दी गई हैं, जो आपको हमेशा याद दिलाती रहेंगे कि आपने इनॉग्रल जर्नी की है वंदे भारत एक्सप्रेस की। तो चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं ट्रेन की तरफ। पूरी टीम तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, हम भी चलते हैं और देखते हैं अंदर का क्या माहौल है, कैसे क्या सीन बनता है। और स्पेशल चीज़ की बात की जाए तो आज के वंदे भारत एक्सप्रेस के इनॉग्रेशन के लिए बुलाया जा रहा है बाहर से PM श्री नरेंद्र मोदी, और यहाँ उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी को, जिनका यहाँ पे है थोड़ा देर का कार्यक्रम है, जो कि फ्लैग ऑफ करेंगे यहाँ से ट्रेन को। उसके बाद ट्रेन हमारी यहाँ से डिपार्चर लेगी लखनऊ के लिए, तो उनके आने में भी फिलहाल अभी टाइम है। समय जो है यहाँ से निकलने का वो है 3:40, लेकिन एज़ यूजुअल इंडियन रेलवेज है और इनॉग्रल रन है, तो ऑन टाइम तो निकलेगी नहीं ना भाई, इतना तो पता है मुझे भी। देखते हैं कितने बजे निकलती है, 4 बजे के पहले नहीं छूटने वाली, चलते हैं। एक तो भैया ज़िंदगी में दो कहीं ख़त्म नहीं होता है, पता नहीं कहाँ है मना नूना बेरा पाट रहा भाई, जब एंट्री भीतर का ना और ही बाहर खत्म कराने लग रहे। नून भेजने का मतलब ये बना है, सीधा कह दो यार परली साइड तक घूम कर जाओ, लेकिन नहीं, हमने तो घुमाने हैं। कमलापति वाला हाल बना रखा है बिल्कुल, यहाँ पे भी बोल रहे हैं आगे से जाके उस साइड से एंट्री करो तो ही एंट्री मिलेगी, वरना घूमते रहो अपना। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो ये पास देने में इतना टाइम लगाया, गाड़ी निकलने में आधे घंटे का टाइम है, बंदा करे तो करे क्या भाई, ब्लॉक कहाँ से शूट होगा इतनी जल्दी जल्दी। कर रहे हैं हमने तो अपनी तरह से पूरी तैयारी। और बात की जाए सिक्योरिटी की, हाई सिक्योरिटी लगाई हुई है भाई स्टेशन से बाहर से लेके मेन रोड तक भी, किसी व्हीकल को आने को परमिट नहीं है अंदर, और ना किसी का एंट्री किया जा रहा है विदाउट एनी पासेस। पीछे क्राउड दिखाऊं ये, तो भाई बाहर का पूरा चक्कर लगाने के बाद स्टेशन का, अब जाके कहीं स्टेशन परिसर के अंदर एंट्री मिली है, और यहाँ से निकलने के बाद शायद हम डायरेक्ट पहुँचे अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस के पास। गेटिंग एक्साइटेड यार, चलते हैं आगे। और यहाँ से ये रास्ता हमें आगे की तरफ दिख रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस की तरफ जाते हुए, जल्दी से चलते हैं। सारे बंदे जो साथ वाले हैं पहले ही जा चुके हैं, अभी पीछे लटके पड़े हैं अकेले। ये सारी चीज़ जो पीछे आप देख रहे हैं, ये सारी प्रिपरेशन हो रही है लोगों के लिए, जो आम जनता यहाँ पे देखने आई है वंदे भारत एक्सप्रेस के इनॉग्रल रन को। पीछे सामने मेरे स्टेज सजाया जा चुका है, और वंदे भारत एक्सप्रेस को यहीं से हरी झंडी दिखाई जाएगी PM श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जोधपुर रेलवे स्टेशन से लाइव दिखाया जा रहा है, जो कि डिजिटली फ्लैग ऑफ होगी वंदे भारत। और ये पीछे स्कूल के बच्चे जिनको बुलाया गया है यहाँ पे, जोश अलग है भाई, अपने आप में इनॉग्रल जर्नी करना बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है खुद में अपने आप में, और इतना एनर्जेटिक फील करवाती है ना ये एनर्जी आपको इनॉग्रल जर्नी वाली, गर्मी वर्मी कुछ फील ही नहीं होता यार, कमाल की बात है एकदम। सो गाइस फाइनली 1 2 3 हेयर गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस, फ्रंट लुक ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम गोरखपुर टू लखनऊ। सो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग हो रही है, उसके बाद आपको यहाँ से एंट्री दी जाएगी वंदे भारत के अंदर।
तो ये आ गए हम लोग यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये है पायलट वाला रूम, यहाँ पे पायलट यहाँ बैठते हैं। ये देखिए काफी सुंदर लग रहा है। और सामने से लुक दोस्तों, ये सामने से लुक काफी सुंदर लग रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है ड्राइवर पैनल वंदे भारत एक्सप्रेस का। और ये इस तरीके का कुछ यहाँ पे स्पीडोमीटर है, जिसमें 200 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड पर सब कुछ एकदम डिजिटल है। ये देख सकते हो, आज चलते चलते C4 में, वहीं पे सारी अपनी सीटिंग अरेंजमेंट हुई पड़ी है। ये है फिलहाल स्कूल स्टूडेंट्स वालों का कोच, हमें जाना है अपने C4 में। एज ऑलवेज जितने भी वंदे भारत कवर किए उसमें सब में C4 ही मिलता है इन्फ्लुएंसर वालों को, सो इसमें भी C4 ही है। So, ये है भाई वही नॉर्मल की तरह इंटीरियर, नीचे फुटरेस्ट हो गया आपका, वो रहा बॉटल होल्डर, नहीं जरूरी है। ये रहा टेबल आपका, इस पे आप काम कर सकते हैं या फिर लंच डिनर कुछ भी कर लो। ये हो गया टच लैंप आपका, रीडिंग लैंप, और ऐसा कुछ अरेंजमेंट है 3x2 वाला। डिटेल में दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी वंदे भारत सेम ही आ रही है भाई। कितनी बार देखोगे एक ही इंटीरियर। आज की वंदे भारत में आने का ना स्पेशल रीजन ये है, गोरखपुर से लखनऊ वाले वंदे भारत, सारी लखनऊ वाली जितनी रेल पैंती थी ना सारी साथ में। हम बोले यार जोधपुर वाली में तो जाते रहते हैं, NWR वाली में, इस बार चलते हैं NER वाली में। खींच के बुला के ले आए कि हमारे साथ चलिए गोरखपुर वंदे भारत में, चलिए लखनऊ पर। ये ओम भाई, ये भी लखनऊ से ही है। इधर पीछे बैठे हैं विकास भाई, ये लोग भी लखनऊ से, मतलब बोलने का वही मतलब है सारे लखनऊ वाले बंदे ही भरे हुए हैं। C3 C4 में अमूमन रहते हैं। आज पेश है आपके लिए लखनऊ गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद है जर्नी विद AK हमारे ऐसे भाई लोगों, कैसा लग रहा है आपको नई वंदे भारत? बहुत बढ़िया। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जैसे कि आज हमारी दो वंदे भारत निकलने वाली है, जोधपुर से एक लखनऊ, तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि कौन सी ज्यादा चलने वाली है? नहीं, मेरा मानना तो ये है, देखो आपको पता ही है NER की पहली वंदे भारत है और राजस्थान की दूसरी वंदे भारत है, तो एक्साइटेड तो भाई दोनों के लिए। पहले ये कवर करेंगे और ट्राई करेंगे कल या परसों उसको कमर्शियल रन भी करेंगे, तो दोनों का लगी रोब रहेगा। क्योंकि वहां पे अगर जो राजस्थान से काफी लोग राजस्थान घूमने जाते हैं, आपको पता है अहमदाबाद साइड से भी, गुजरात से, तो उनके लिए भी काफी अच्छी चीज हो चुकी है। और यहाँ पर तो भाई जरूरत थी, आपको पता है गोरखपुर लखनऊ और बीच में अयोध्या, पता इतनी बड़ी है। ये वाली तो चलेगी, एक तो कैपिटल से कनेक्ट है और बीच में अयोध्या होके जा रही है, क्या बात है, चार चांद लग गए, मजा आने वाला है। और यहाँ पर हम देखो गेट छोड़ नहीं रहे हैं क्योंकि आपको पता है यहाँ से आपको डिपार्चर दिखाना है। सो गाइस आ चुके हैं अभी वंदे भारत एक्सप्रेस के वॉशरूम में। ये सामने चमचमाता हुआ मिरर, ये हो गया आपका सोप डिस्पेंसर, ये हैंड ड्रायर, ये टैप ऑटोमेटिक टैप है, अपने आप बंद हो जाएगा। नीचे ये हो गया आपका होमिंग एरिया, ये हो गया फ्लश बटन जो कि जरूर दबाना चाहिए आपको यूज़ करने के बाद, ये एयर विक, एंड ये स्मोक इंडिकेटर, अगर आपने स्मोकिंग की तो आप पकड़े जाएंगे। सो दोस्तों अभी हमारे साथ मौजूद है 200 जर्सी जारी हमारे डोलेश भाई, आप सब तो जानते ही होंगे। भाई देखो मेरे को एक्साइटमेंट है बाहर का, अंदर तो खैर पब्लिक मीडिया VVIP सब है, डिग्रीज वगैरह, पब्लिक ओवरलोड है। ये मिनी वंदे भारत है 8 कोचेस की, पर एक्चुअली ये होनी चाहिए 16 कोचेस। क्राउड फुल है इसमें, ओवरलोडेड है, AC तक काम नहीं, मतलब चेयर कार तो छोड़ो, इवन एग्जीक्यूटिव पूरा फुल हो गया, यहीं से फुल हो गया। सो दोस्तों समय हो रखा है अभी 4:40, एक घंटे की देरी हो गई है हमारी वंदे भारत को हरी झंडी देने में। पर अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला और CM श्री आदित्यनाथ योगी जी का काफिला स्टेशन पे आ चुका है और कुछ ही देर में गाड़ी को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। चलिए आ गए बस आने वाले हैं। फिल्मत पिक्चर खत्म, देख लिए चलिए।
02549 इनॉग्रल नंबर। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी वंदे भारत को हरी झंडी दिखा के रवाना किया है गोरखपुर से पहली बार लखनऊ जंक्शन के लिए। फर्स्ट टाइम देखा लाइव फ्लैग ऑफ। अब देखते हैं वर्चुअली इस डिजिटल जर्नी को। लेट्स स्टार्ट। और ये गोरखपुर की जनता वंदे भारत एक्सप्रेस को देखने के लिए सड़कों पर खड़ी होके काफी जोश और उत्साह के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस को देख रही है। योगी आदित्यनाथ और सांसद रवि किशन भी और एक ट्रेन अब गोरखपुर से चल चुकी है खासतौर से, और गोरखपुर से जो ट्रेन चली है इस ट्रेन में बैठने वाले हर जगह आपको जनता देखेगी। ओ माय गॉड, ये भाई गोरखपुर वंदे भारत निकले हुए तो गाड़ी में रफ्तार भी पकड़ ली, बट ये देखो, ओ माय गॉड क्या जोश है लोगों के बीच में इस गाड़ी को लेके। दैट्स द पावर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस। ये बात भैया, हेलो, बहुत तेज बारिश है भाई, नीचे उतरना पागलपन है। सहजन महाराज वाल ये भाई ये अरे वहाँ फुल लड़ी बड़ी ले भाई साहब, फुल रेडी है यार स्टेशन हो रहा है। सेकंड इनॉग्रेशन ये क्राउड देखो भाई। तो आप देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी पहुंच चुकी है अपने फर्स्ट हॉल्ट सहजनवा पे। बाहर नहीं जा रहे हैं, बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है, अंदर से ही देख लो आप। ये उत्साह है। और ये है दोस्तों वंदे भारत की एक्सेलरेशन। बच्चे बूढ़े सब यहाँ पे है जी हाँ, यहाँ हम निकल चुके हैं सर। और यहाँ जितने देख पा रहा हूँ मतलब कितनी बारिश आ रही है यार, पूरे मतलब पूरे खेत इतने दूर दूर तक निकल रहे हैं सारे एकदम पानी से फुल एकदम। बारिश भी उतनी तेज कट रही है जब से निकले हैं गोरखपुर से, हम जमा जम बारिश आ जा रही है जिसके चलते नीचे हम नहीं उतर पाए फर्स्ट हॉल्ट पे। सेकेंड पे देखते हैं आगे शायद थोड़ी कम हो तो उतरते हैं, खैर बारिश बहुत तेज है इधर। बंद हो जाएगा, जा भी जाओ बाहर। तो दोस्तों सेकंड हॉल पे पहुंच चुके हैं खलीलाबाद में, और यहाँ भी बारिश वैसी है बिल्कुल बहुत तेज, ज्यादा कुछ है नहीं, बारिश तेज आ रही है। और यहाँ भी टॉप है गाड़ी का
अंदर चलते हैं इस तरह से यहाँ पे। बट ये क्राउड देखिए आप एक बार, सिर्फ वंदे भारत एक्सप्रेस को देखने के लिए। यार अलग ही शोर है। कैसी लगी आप सबको ये? बहुत बढ़िया। लखनऊ के लिए चली गई पाइप देखिए। तो ये है पब्लिक के पीछे एकदम जोश वंदे भारत एक्सप्रेस को लेके। हम अंदर चलते हैं। तो भाई यहाँ से अभी दो ही स्टेशन मात्र निकले हैं हमने अभी गोरखपुर से। हालत अभी से ही वंदे भारत की इतनी पैक है, रेवाड़ी वाले से भी गई गुजरी हालत, लग रहे लोकल ट्रेन में बैठ के जर्नी कर रहे हैं। तो सर्विसेज स्टार्ट हो गई है दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस में, शाम के 5:30 बजे लगभग एक घंटे बाद जाके काफ़ी देरी से सर्विस स्टार्ट हुई है। एक पानी की बोतल सर्व हुई है और ये स्नैक्स बॉक्स, खोल के देखते हैं क्या है इसके अंदर। काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है इसमें स्नैक्स में। ये है प्रोटीन पॉप्स और ये है, ये भी पॉपकॉर्न कैरमल फ्लेवर पॉपकॉर्न है और ये कचौड़ी और ये फ्रूट केक है और ये ट्रॉपिकाना का एक जूस है और लॉटी चोको पाई की एक चॉकलेट है, चॉकलेट केक और ये है हैंड सैनिटाइजर है और एक केचप का पाउच और एक पानी की बॉटल सर्व की गई। क्या लगता है भाई सफिशियंट है इतना? भाई अभी तो स्टार्टिंग है, देखते जाओ। भाई यही दिक्कत है। बस्ती बड़ी है सर, भाभी नहीं है लेकिन। अरे यार मैं इधर कोच में क्यों आ गया, मुझे है तो भीड़ है यार। भाभी के पास वो बेचारी गाड़ी पहुंची बस्ती। हम आ चुके हैं सस्ती। भैया खुल गए, पहुंच चुके हैं बस्ती स्टेशन। पहला तो दोस्तों पहुंच चुके हैं बस्ती रेलवे स्टेशन जो कि ट्रेन का फर्स्ट कमर्शियल होल्ट है। 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। क्रेज देखे हैं यहाँ के लोगों का, बिल्कुल मैक किया। भाई पूरा यहाँ तो लड़ी वड़ी लगा के डेकोरेट कर रखा है। खैर अंदर चलते हैं, 2 मिनट होने ही वाले हैं। काम का दरवाजे बंद हो जाए हम बाहर ही रह जाए, अंदर चलते हैं। और ध्यान So now we are having departing from Basti railway station. भाई साहब माहौल बना हुआ है पूरा स्टेशन पर। ओ माय गॉड। 02549 गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत इनॉग्रेशन स्पेशल हैज बीन डिपार्ट फ्रॉम बस्ती। जो पहले गेट ओपन हो चुका है।
बगनार मतलब एक मात्र छोटा सा गांव बट पावर इतनी ज्यादा। वेलकम हुआ एकदम पूरा ग्रैंड तरीके से, मजा आ गया भाई। सब स्टेशन सजे होंगे भाई आज, लड़ी वड़ी लगा के आज सितारे सारे स्टेशन सजे होंगे। मात्रम जी सर कहाँ? चाय कॉफी है? दे दो। कॉफी नहीं है? चाय पीते नहीं। बॉटल वा उठा ले नीचे से। अब देखिए वो भी कॉफी चाहिए। सो हेयर सर्व्ड इवनिंग टी मसाला चाय एंड हॉट वाटर एंड दिस इवनिंग फर्स्ट टाइम आए मैं एक नंबर पे नहीं लिया है। एक नंबर है भाई, कौन है ये? एक है ना, एक ही है भाई। पहली बार कौन आया इसमें? मैं पहली बार आया हूँ भाई, अयोध्या में पहली बार आया हूँ। अच्छा हाँ ठीक है, एक ही नशे में कोई भूल गया। ना ना ना, पहले मुझे लगा कि उस साइड भैया एग्जिट है। लग रहे नारे। हेलो भाई, जय श्री राम। बड़ा अंधेरा है यार, क्या करे इतनी थोड़ी लाइट। वंदे भारत वीडियो बन रही है। अबे खाए तो वही तो मजा। छोटी लाइन बोले तो, और आज की जो नॉर्मल चलनी हमारी यही
तब तक के लिए टेक केयर, मिलता है, और हाँ मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं।